वेलकम बैक। और आपको बताएं कि यूं तो गिलगित बल्तिस्तान में चेरी की कई इकसाम है, लेकिन फ्रांसीसी और देसी इकसाम की चेरी की खसूसी अहमियत हासिल है। इसी वाले से मजीद बताएंगे चित्राल से हमारे नुमाइंदे शफीउल्लाह इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान में चेरी फल की काफी इकसाम है, लेकिन देसी और फ्रांसीसी चेरी को खसूसी अहमियत हासिल है। गिलगित बल्तिस्तान के काश्तकार चेरी के मुतवक्के पैदावार से मुतमिन नजर आते हैं। तकरीबन कोई 40 महीने चेरी लगाए हैं, फायदा हो रहा है, तो साल में कोई 20-25 हजार रुपए में कमाता हूँ। चेरी को फलों के इस्तेमाल के अलावा खानों में और केमिकल की तैयारी में भी इस्तेमाल किया जाता है। मौकमा ज़राअत के मुताबिक चेरी के दरामद से पाकिस्तान की मईशत में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। किसानों ने बेशुमार चेरी के बागान लगाए हैं। ये न सिर्फ मुल्की लेवल पे बल्कि बैनुल अक़वामी लेवल के मार्केट पे ये एक बड़ा नाम कमाएंगे, जिसमें पाकिस्तान की मईशत पे ज़र मुबादले में एक खातिर ख्वाह फर्क पड़ेगा। अगर हुकूमत की जानिब से इनको मुनासिब ज़रिए सहूलियात फराहम की जाए तो चेरी के पैदावार में भी मजीद इजाफा मुमकिन हो सकता है। शफीउल्लाह, कुरैशी, ARY न्यूज़, चिलास, गिलगित बल्तिस्तान।